दीदी तुम करण जीजू को शादी के लिए हाँ कब कर रही हो? या फिर कोई और मिल गया है? क्या बोलती है तू? तो तुम बार बार शादी क्यों टाल रही हो? अनु तो जानती है ना हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और ऊपर से अनमोल के बिजनेस के लिए भी पैसों की जरूरत है। ओह माय गॉड दीदी, आई कैन अफोर्ड। मैं अपनी शादी का खर्चा तुझसे करवाऊंगी। मैं करण जीजू को फोन कर रही हूँ कि वो शादी की डेट्स फिक्स कर ले। पागल है तुम। भैया जी स्माइल। जाया रनी भी, मेरा मूड बहुत खराब है यार। क्यों खराब है? किसने मेरे भैया को परेशान किया बताओ तो मुझे? मम्मी पापा ने? यार ये लोग हमेशा एक ही रट लगाते हैं, नौकरी कर लो नौकरी कर लो। नहीं करनी मुझे किसी की नौकरी, और क्यों करूं मैं किसी की गुलामी? अच्छा चलो फॉरगेट ऑल दिस। आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए ना, मेरे नाम से लोन मिल जाएगा आपको। अच्छा स्माइल। क्यों आप लोग मुझे छोड़ के चले गए? आज किसी के पास टाइम नहीं है मेरे लिए कि पता करे मैं जिंदा हूं या मर गई। क्यों पागलों की तरह बेल बजा रही है? चिल्ला क्यों रहे हो? आपने बोला था कि ज्यादा बार बैल बजाया करो, एक दो बार बजाने से नींद नहीं खुलती। और ये क्या हालत बनाई हुई है, क्या आप रोए थे क्या? तू जा बत्तो, मुझे परेशान मत कर, मैं तुझे कॉल करके बुला लूंगी। मर भी नहीं सकती। आज तुम मुझे मिली गई। खुशबू दीदी? हाँ। आप यहाँ कैसे? पता है मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, अब आज जाके तुम मुझे मिली हो। तुम्हें पता है मैं आज जिस मुकाम पे हूं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ये जो जिंदगी है ये भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। दीदी ये क्या कर रहे हो आप? क्या करूं जी, के करूं क्या, मेरे मंगेतर ने मुझे छोड़ दिया। ये क्या बात हुई, अपने लिए जियो, किसी और के लिए क्यों अपनी लाइफ खराब कर रही हो? अब जी के करूं क्या? जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, अपने पैरों पर खड़े हो, मूव ऑन। ये जो जिंदगी है ना ये तुम्हारी ही देवी है, पर अब तुम क्या कर रही हो? अनु मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, उसे छोड़ा तो मैं अपनी 50% की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठूंगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं अपनी बीवी से अब प्यार करने लगा हूं। तुम मुझसे प्यार करते हो या अपनी प्रॉपर्टी से? बेकार की बातें मत करो, समझी तुम? विशाल तुम किसी से प्यार नहीं करते हो, ना मुझसे ना अपनी बीवी से, तुम सिर्फ अपनी दौलत से प्यार करते हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जो हुआ ना उसे भूल जा, जिंदगी कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है, अपने पैरों पे खड़े हो, आगे बढ़, मूव ऑन।
अब आप लोग यहाँ कैसे आ गए? आपके पास तो टाइम ही नहीं था मेरा फोन उठाने का। अगर तेरा फोन उठा लेते तो विश कैसे करते? हमने तेरा फोन इसलिए नहीं उठाया ताकि तुझे लगे कि हम तेरा बर्थडे भूल गए हैं और हम तुझको ऐसे सरप्राइज करना चाहते थे। तुझे क्या लगा? विश नहीं करेंगे हम लोग? अच्छा चलो आज हम केक काटते हैं, है ना? नाइफ कहाँ पे है? अच्छा इसलिए तो कुटा रहे, पूछ लो फिर। फोन दो। बत्तू कहाँ है तू? घर आजा जल्दी से।